तो यार इस वीडियो में सजाम फ्यूरी ऑफ द गॉड को लेकर काफी हैवी स्पॉइलर्स है, तो वीडियो अपने रिस्क पर ही देखना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस मूवी के एंडिंग की बात करें तो इस मूवी के एंडिंग में सजाम मर जाता है, जिसके बाद उसकी फैमिली वाले उसको दफना देते हैं। लेकिन तभी विजार्ड बोलता है कि अगर उसकी छड़ी में पावर होती तो वो उसको जिंदा कर सकता है, पर उसकी छड़ी को सिर्फ एक गोड़ चार्ज कर सकता है और इस वर्ल्ड में कोई भी गोड़ नहीं बचा। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारी वंडर वुमन की, जो छड़ी को चार्ज कर सजाम को फिर से जिंदा कर देती है। अब वंडर वुमन ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि वंडर वुमन एक डेमी गोड है जो कि ज्यूस की बेटी होती है। इसके बाद विजार्ड सभी को उनकी पावर वापस कर देता है। खैर अब बात करें इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन के बारे में, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि जोन और एमिलिया हारकोर्ट का कैरेक्टर सजाम से मिलने जाते हैं, जो कि उसे जस्टिस सोसाइटी की टीम को ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। वैसे ये दोनों कैरेक्टर हमें इससे पहले पीसमेकर की सीरीज में भी दिख चुके हैं, और जैसे की टीम हमें लास्ट बार देखी थी ब्लैक एडम मूवी में। अब इस ऑफर को सुनने के बाद सजाम बोलता है की वो सिर्फ उसी टीम में रहेगा जिसमे वंडर वुमन होगी। साथ ही वो उन लोगों को जैसे की कुछ न्यू नेम भी सजेस्ट करता है, जिसमे से एक नाम की एवेंजर सोसाइटी होता है, जो की सीधा सीधा रेफरेंस है मार्वल की दी एवेंजर्स टीम का। एंड इस मूवी के फाइनल पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर शिवाना और मिस्टर माइंड देखने को मिलते हैं, जहाँ हो सकता है कि डीसीयू के फ्यूचर में ये करेक्टर हमें एक बिग थ्रेट की तरह दिखाई दे, बट अब सजाम का फ्यूचर केवल इस मूवी के कलेक्शन पर डिपेंड करता है। बाकी तो द फ्लैश मूवी आ रही है जो डीसी को रिबूट कर देगी। खैर तुमने ये मूवी देख लिया तो कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।